सादर नमस्कार साथियों, आज आज़ाद भारत की जिस भूमि पर हम स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं, उस आज़ादी को पाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति में न केवल पुरुषों का योगदान रहा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ चढ़कर अपनी वीरता, साहस और क्षमता का परिचय दिया था। यदि हम भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में भारतीय वीरांगनाएं न सिर्फ पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चली, बल्कि अपना सर्वस्व अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो यह इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इतिहास में दफ्न उन वीरांगनाओं की शौर्य गाथा आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाई और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास चंद शौर्य गाथाओं में सिमट कर रह गई। आइए जानते हैं बंगाल की वीरांगना क्रांतिकारी वीना दास के बारे में। महज 21 वर्ष की आयु में जिन्होंने बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चला दी थी। वीना दास ने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बैथ्यून कॉलेज में एडमिशन लिया। वर्ष 1926 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने पाथेरदाबी नामक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास को लिखने का मूल उद्देश्य भारतीय जनमानस को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना था। यही कारण रहा कि ब्रिटिश शासन द्वारा इस उपन्यास को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन प्रतिबंध लगने के कारण भारतीय युवकों में पाथेरदाबी को पढ़ने की उत्सुकता और बढ़ गई। इसका प्रथम संस्करण महज 7 दिन में ही गुप्त रूप से बिक गया। क्रांति की ज्वाला अपने हृदय में जलाए हुए वीना दास भला इसको पढ़ने से कैसे पीछे रह सकती थी। अतएव प्रतिबंधित होने के बावजूद उन्होंने गुप्त रूप से उपन्यास की एक प्रति प्राप्त कर ली। वीना दास ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई ना करके उपन्यास को पढ़ना ज़्यादा उचित समझा। हालांकि इससे उनकी परीक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उपन्यास का प्रभाव इस कदर था कि जब उनसे अंग्रेजी की परीक्षा में पसंदीदा उपन्यास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाथेरदाबी का विस्तार से वर्णन कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत कम अंक प्राप्त हुए। 2 साल बाद वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित बंगाल वॉलंटियर कार्पस में शामिल हो गई। वहाँ पर काम के दौरान वह अपनी सहपाठी रही क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली की सहायता से बंगाल रिवोल्यूशनरी पार्टी में सम्मिलित हुई। यह संस्था गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा था। इसमें शामिल क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह परेशान और हैरान कर रखा था। बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को 6 फरवरी 1932 को विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। यह सूचना प्राप्त होते ही वीना दास ने जैक्सन को मार डालने की योजना बनाई। उसी दीक्षांत समारोह में उन्हें उनकी डिग्री भी मिलनी थी। वीना दास ने अपने युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों से राय मशवरा करके यह निर्णय लिया कि डिग्री लेते समय वह जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी। जैसे ही गवर्नर जैक्सन भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, वीना दास ने तुरंत ही उस पर रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली उसके कान को छूकर निकल गई और वह बच गया। साहसी वीना दास को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाकर अगले ही दिन 9 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। साल 1937 ईस्वी में प्रांतीय सरकार के बनने के बाद राजबंदियों को कारागार से मुक्त करने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश की वजह से वीना दास की भी जेल से रिहाई हो गई। जेल से रिहा होने के बाद वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई, किंतु अंग्रेजी सरकार में उनका भय इस कदर व्याप्त था कि उन्हें 3 साल तक नज़रबंद रखा गया। इसके बाद युगांतर का सदस्य रहे ज्योतिष भौमिक से इन्होंने शादी कर ली और राजनीति में सक्रिय हो गईं। वह वर्ष 1946 से 1951 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुनी गईं। पति की मृत्यु होने के बाद वह कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, छोड़कर ऋषिकेश के एक आश्रम में आकर रहने लगी। वीना दास एक स्वाभिमानी स्वभाव की महिला थीं, इसलिए उन्होंने सरकार द्वारा
दी जाने वाली पेंशन लेने से इनकार कर दिया और गुजारा करने के लिए अध्यापन का कार्य करने लगी। भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली इस वीरांगना के जीवन के अंतिम दिन बहुत कष्टपूर्ण रहे। कहते हैं उनका मृत शरीर 26 दिसंबर 1986 को छिन्न भिन्न अवस्था में सड़क के किनारे मिला। पुलिस द्वारा लगभग एक माह तक अन्वेषण के पश्चात पुष्टि की गई कि यह शव बीना दास का ही है। महान क्रांतिकारी के जीवन का अंत इतना दुखदायी होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में कुछ पूर्वाग्रही विचारधाराओं के कारण बीना दास जैसी अनेकों वीर महिलाओं स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भुला दिया गया और इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आज इस समय की महान आवश्यकता है कि बीना दास जैसी वीरांगनाओं के योगदान को दुनिया के सामने लाने के लिए इतिहास का संशोधन एवं पुनर्लेखन किया जाए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।